देश में कृषि निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में फल सब्जी के निर्यात में पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ सालों में खाद्य क्षेत्रों के साथ अन्य देशों में भी मांग बढ़ी है। तो देश के कृषि निर्यात की अगर बात की जाए तो इस मोर्चे से भी अच्छी खबर, यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वस्तुओं के कुल निर्यात को समर्थन मिलने की वजह से किसानों को फायदा हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में फल और सब्जी के निर्यात में पिछले साल की तुलना में 31% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। और साथ ही साथ जानकारी के मुताबिक खाड़ी के देशों के साथ थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और कई यूरोपीय देशों में भारतीय सब्जी और फलों की मांग लगातार बढ़ रही है। खाड़ी देशों में तो भारत से कई हरी सब्जियों का निर्यात हो रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से नवंबर में फल और सब्जी के निर्यात में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कि आप देखिए कि लगातार इस आंकड़े में वृद्धि दर्ज हो रही है जब हम फल और सब्जियों की बात कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए भारतीय मांस, डेयरी और पोल्ट्री के उत्पादों की तो यहां पर भी निर्यात में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नवंबर में कॉफी निर्यात में 11% और मसालों में भी 11.30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऑयल मिल्स में 17.22% और तैयार अनाज और प्रोसेस्ड जो खाद्य आइटम्स है उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कि आप देख सकते हैं खास तौर पर जो फल सब्जियां हैं, जो प्रोसेस्ड फूड है, पोल्ट्री के आइटम्स हैं, इनकी मांग लगातार देशों में बढ़ती हुई और ये किसानों के लिए अच्छा।